हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट से आगे का हिंदी समरी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ रुख लेते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानताएँ होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, सीडर आदि पाए जाते हैं। यह वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलान, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मध्य वृक्ष हैं, यानी कि मुख्य जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते चले जाते हैं। अंततः झाड़ी के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदानों में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग पाया जाता है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रिक्ष, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बाल वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। अब अगला देखते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्र में जहां ज्वार भाटा आते रहते हैं, यहां सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रूव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़ तथा एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाया जाता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजाति हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं ये पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर में हाथी यानी कि मैमल्स में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सिंह वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो बंदर होती हैं उसकी भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ
बाघ जो होता है ये दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वन्य जो स्थल होता है ये गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी है, ये शिकारी जानवरों में बहुत ही मुख्य होता है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सिंघों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, जो तिब्बती जंगली गधे भी इसे कहते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में देखने को मिलता है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। इसके आगे देखते हैं अब हम लोग। घड़ियाल मगरमच्छ को प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वन तथा आर्द्र क्षेत्र में, यानी कि वेटलैंड में पाया जाता है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के जो निचय होता है उससे हमने अपनी फसलों को चुना है। हमने बहुत से औषधि पादप का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनमें से मांस एवं अंडे भी प्राप्त होता है। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्ष के परागण यानी कि बढ़ने में मदद करता है और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का परिस्थिति तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण भी अनिवार्य है। जैसा हमने पहले बताया कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण परिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो चुका है, यानी कि बिगड़ चुका है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां खत्म हो चुका है। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में है और कुछ जो है वो खत्म भी हो चुका है। परिस्थितियां तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे बहुत अधिक जीव जंतु तथा वनस्पति को काफ़ी नष्ट पहुँचा है। हमारे देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, यानी कि फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए हमारे देश ने बहुत सारे अलग अलग कदम उठाए हैं। अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देश में 18 जीव मंडल आरक्षित किए गए हैं, यानी कि अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार मानस, पंचमढ़ी और अचन कमर की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की जाती है। आगे देखते हैं इसमें अब हम लोग। सन 1992 से सरकार द्वारा जो फ्लोरा है इसके उद्यानों की वित्तीय, यानी कि इसमें अधिक से अधिक टेक्निकल और फाइनेंशियल जो भी उसमें योजनाएं होती है इसको वहन करने का काम सरकार ने लिया है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा परिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर भी बनाया गया है ताकि इनका बचाव किया जा सके। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए, यानी कि हमें जितने जल्दी हो सके इन सभी चीज़ों को रोकथाम करना चाहिए ताकि हमारे देश में पाए जाने वाले, हमारे संसार में पाए जाने वाले जितने भी फ्लोरा और फौना है वो सुरक्षित हो सके।
तो फ्रेंड्स ये था इस चैप्टर का हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।